नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देखने आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल, तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। ये राशि 3 किश्तों में लाभुकों को दिया जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आरजेडी और जेडीयू में घमासान छिड़ा हुआ है। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बना सकते हैं। इस बीच जेडीयू के मंत्री कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नीतीश को बिहार का भविष्य बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज है। इसको लेकर रंग बिरंगी लाइटों से गुरुद्वारे की सजावट की गई है। बड़ी संख्या में भक्त पटना साहिब पहुंचे हैं। यहां इनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से भी पुरजोर तरीके से तैयारियां की गई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों की सुध ली है। झारखंड में ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी 2 का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके उत्थान के लिए एक समेकित योजना तैयार कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय की टीम भीड़ के हमले का सामना कर चुकी है। अब झारखंड में भी सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी के प्रति लोगों के मन में गुस्से की दलील देकर चेतावनी दी है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को फिर राजनीति से प्रेरित करार दिया है। वही भाजपा ने इसे ईडी को धमकी करार दिया है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि का दूसरा दिन है। आज 17 जनवरी बुधवार को दोपहर 1:20 के बाद जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा एवं भगवान श्री राम लला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण होगा। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदर के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। इस पर पाकिस्तान ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ये हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। अब खबर खेल जगत की। टीम इंडिया T20 सीरीज का तीसरा मैच बेंगलुरु में खेलेगी। उसने अफगानिस्तान को शुरुआती 2 मैचों में हराया है। अब वह क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अफगानिस्तान के लिए भारत को टक्कर देना आसान नहीं होगा। अगर बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भारत के T20 रिकॉर्ड को देखें तो वह ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। भारत ने यहां 7 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान 3 जीते हैं और 3 में हार का सामना किया है। अब खबर मनोरंजन जगत की। एक्ट्रेस व अक्षय कुमार की बीवी ट्विंकल खन्ना फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी है। फिल्मों को छोड़ एक्ट्रेस ने राइटिंग में अपना करियर बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को भी पूरा कर लिया है। ट्विंकल खन्ना ने 50 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है। इस बात की जानकारी अक्षय कुमार ने एक पोस्ट शेयर कर दी है। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार में जमा देने वाली भीषण ठंड का नया दौर मंगलवार से शुरू हो गया है। अब राज्य का मौसम जेट स्ट्रीम के प्रभाव में है। साइबेरियन हवा का प्रवाह पहले से ही है। पूर्वानुमान के मुताबिक ठंड का यह प्रकोप 23 जनवरी तक जारी रहने की आशंका है। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में कुछ अगले 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।